ज़िला परिषद स्कूलों में बरसरे खिदमत प्राइमरी व सेकेंडरी टीचर्स के मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर असतदा की तंजीम महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद की जानिब से दफ्तर ज़िला परिषद के रूबरू ढोल बजाओ एहतजाज किया गया। तंजीम की जानिब से पिछले 9 माह से ज़िला परिषद टीचर्स के मसाइल के हल और मुतालबात की यकसुई के लिए जद्दोजहद की जा रही है। कई मेमोरेंडम पेश किए गए, ज़िला परिषद के CEO के साथ तफसीली नशस्त व बर्खास्त भी हुई, लेकिन मसाइल जूँ की तूँ बरकरार रहें। अपनी तहरीक को मजीद आगे बढ़ाते हुए तंजीम की जानिब से दफ्तर ज़िला परिषद के रूबरू ढोल बजाओ एहतजाज किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में ज़िला परिषद असातज़ा ने हिस्सा लिया। ज़िला परिषद के CEO को फिर एक मेमोरेंडम पेश करते हुए अपने मुतालबात को दोहराया गया। इनमें कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को मुस्तकिल करने, ओहदों पर तरक्की दिए गए टीचर्स के प्रमोशन ऑर्डर्स जारी करने, केंद्र प्रमुख को प्राइमरी सेकेंडरी टीचर्स की मखलुआ जायदादों को पुर करने जैसे मुतालबात शामिल हैं। मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में शिक्षक परिषद की जानिब से एहतजाज को मजीद तोसी देते हुए लॉन्ग मार्च निकालने का इंतबाह दिया गया। 8-10 दिवस कहीं निकाली काड़ा नहीं तो निश्चितपने एप्रिल पहले आठवड़ा जिल्हा परिषदे जिल्ह्यातील किमान 5,000 शिक्षक मोर्चा यठिका मागण्यासाठी काढला जाईल। अपन हे ज्यादा जवळपास 17 मागण्या या आमच्या निवेदनामध्ये या संदर्भामध्ये आम्ही वारंवार पाठपुरावा करत आहोत, परंतु प्रशासन जाणीवपूर्वक म्हणा की आणखीन काही म्हणा ह्या मागण्या सोडवण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेत नाही। एक माहिती 4-4, 5-5 वेळेस मागून शिक्षकांना, मुख्याध्यापकांना, संबंधित कार्यालयांना हे प्रशासन वेटीस धरत आहे असं आमची धारणा झाली, असं आमचं मत झालेलं आहे। म्हणून या आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून आम्ही प्रशासनाला विनंती करत आहोत वारंवार, आणि नाविलाजास्तव आज आम्ही ढोल बजाव आंदोलन जिल्हा परिषदेच्या पुढे केलेलं आहे, आणि भविष्यामध्ये हे जर प्रश्न लवकरात लवकर नाही सुटले तर एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये सर्व संघटनांना जिल्ह्यातल्या सोबत घेऊन भव्य मोर्चा या वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी शिक्षकांच्या शिक्षणाच्या मुलाच्या हितासाठी जिल्हा परिषदेमध्ये जे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आहेत ते पूर्णपणे ग्रामीण भागातले आहेत, वाडी तांड्यावरले पाड्यावरले विद्यार्थी आहेत। म्हणून शैक्षणिक गुणवत्ता टाळण्यासाठी, शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ह्या जागा भरणं अत्यंत गरजेचं आहे अशी या ठिकाणी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून मी प्रशासनाला विनंती करत आहे। धन्यवाद।